हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस 12th स्टैंडर्ड की, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें से कुछ 5 से 6 डिस्टिंग्विश हम लोग फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे एंड बाकी के 5 से 6 डिस्टिंग्विश हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। इसमें हम पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक के डिस्टिंग्विश कवर करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये दोनों पार्ट अच्छी तरीके से देखोगे। तो यहाँ पर अगर आप पूरा का पूरा पार्ट अच्छी तरीके से देखते हो तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 12 मार्क के क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये डिस्टिंग्विश आप शॉर्ट नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टिंग्विश का नाम है फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, यानी फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग की। फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल असेट्स, दैट इज फिक्स असेट। जब हम बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं तो पैसा हम दो जगह पर लगाना पसंद करते हैं, एक तो हमारा फिक्स कैपिटल, दूसरा हमारा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है व्हेन द बिजनेस एंटरप्राइजेस इन्वेस्ट मनी इन द फिक्स असेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम इज नोन एज फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट असेट। अब सर ये करंट असेट क्या होता है? स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इस तरीके के आइटम्स का नाम आपने सुना होगा बैलेंस शीट में। ये सारे के सारे करंट असेट्स होते हैं। नाउ मूव टू नेचर। फिक्स कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, इट इज ऑलमोस्ट परमानेंट कैपिटल। इसीलिए फिक्स कैपिटल परमानेंटली तरीके से बिजनेस में रहता है, इसलिए परमानेंट कैपिटल भी इसे कहा जाता है। बट वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वर्किंग कैपिटल कभी बढ़ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है। नेक्स्ट, पर्पज, इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा। फिक्स असेट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फिक्स असेट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो फिक्स कैपिटल है। सर फिक्स असेट में क्या क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, इक्विपमेंट, मोटर कार, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा आपके फिक्स असेट्स माने जाते हैं। तो अगर कोई भी एंटरप्राइजेस फिक्स असेट्स में पैसा लगाता है तो उसे फिक्स कैपिटल कहा जाएगा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट्स। अब यहां पर पैसा कहां पर लगा जाता है? शॉर्ट टर्म असेट्स में लगाया जाता है, सच एज कैश, उसके बाद रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एंड ऑल। मतलब यहां पे ट्रेड रिसीवेबल, बैंक जिसके अंदर डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल आता है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ये सारे असेट्स पर अगर आप पैसा लगाते हो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए होता है तो उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेस। फिक्स कैपिटल फंडिंग कम फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। यानी जब आप फिक्स कैपिटल की बात करते हो तो फिक्स कैपिटल का पैसा आपको कहां से मिलता है? तो सर फिक्स कैपिटल का पैसा आपको शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड या लॉन्ग टर्म लोन के जरिए मिलने वाला है। लेकिन जब हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद द शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। ये सारे पैसों के जरिए से आपको वर्किंग कैपिटल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स। अभी मैं एज अ इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में पैसा लगाऊंगा या वर्किंग कैपिटल में, कैसे पता चलेगा? तो अगर इफ ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल हेल्पिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट, यानी अगर मैं फ्यूचर प्रॉफिट कमाने के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं तो मैं फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना पसंद करूंगा। बट इफ द इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न, यानी अगर मुझे तुरंत रिटर्न चाहिए, यानी विद इन द ईयर या विद इन 1 or 2 years में मुझे अगर रिटर्न चाहिए अच्छे खासे, तो द इन्वेस्टर विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल। लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम की सोच रखता हो, फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए तो फिक्स कैपिटल में पैसा लगाओ, शॉर्टर पीरियड में आपको रिटर्न चाहिए तो आप वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाओगे। नेक्स्ट, रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल में भी मोर रिस्क। अगर आप फिक्स कैपिटल में पैसा लगाओगे तो आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है, बट वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाने पर आपको रिस्क कम लेना पड़ेगा। आई होप
आपको इस डिस्टिंग्विश में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट डिस्टिंग्विश, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग की। अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो शेयर होता है वो शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है। तो सर डिबेंचर किसका हिस्सा होगा? तो डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इफ अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल तो इसको बोलेंगे ओनरशिप। क्या बोलेंगे? ओनरशिप कैपिटल। और डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेट कैपिटल तो उसको बोलेंगे क्रेडिटरशिप कैपिटल। क्या बोलेंगे? क्रेडिटरशिप। नेक्स्ट स्टेटस, अ होल्डर ऑफ शेयर इज नोन एज ओनर ऑफ द शेयर कंपनी। मतलब मैंने अगर कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाया है तो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हो गया। इफ आई एम द शेयर होल्डर आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, इसीलिए शेयर कैपिटल को ओन्ड कैपिटल कहते हैं। सेकेंड, अ होल्डर ऑफ डिबेंचर, अ होल्डर ऑफ डिबेंचर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, इसीलिए डिबेंचर कैपिटल को बोरोड कैपिटल या ओन्ड कैपिटल या लोन कैपिटल कहा जाता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेचर, शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल, डिबेंचर इज अ टेम्पररी कैपिटल। शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल, डिबेंचर इज अ टेम्पररी कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है। शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर डज नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। ठीक है, नॉर्मल वोटिंग राइट शेयर होल्डर को मिलता है, डिबेंचर होल्डर का नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं मिलता। अगर आप एक एक सेंटेंस में भी इसका डिस्टिंग्विश करोगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा। नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट मनी इन द शेयर आई विल गेट रिटर्न डिविडेंड। मतलब अगर मैं शेयर में पैसा लगाता हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड। इफ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन द डिबेंचर ही विल गेट रिटर्न इन इंटरेस्ट। मतलब अगर आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। और रिटर्न ऑन डिबेंचर के तौर पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल इज इनसिक्योर्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल इज सिक्योर्ड कैपिटल। नेक्स्ट टाइम ऑफ इश्यू, शेयर इज इश्यूड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी। कंपनी के इनिशियल स्टेज में हम क्या इश्यू करते हैं? शेयर्स इश्यू करते हैं। एंड डिबेंचर इश्यूड एट लेटर स्टेज, मतलब कंपनी को बाद में जब जरूरत पड़ती है तो कंपनी क्या इश्यू करती है? डिबेंचर्स इश्यू करती है। एंड लास्ट सुटेबिलिटी, शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड डिबेंचर आर सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस। आई होप इस डिस्टिंग्विश में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है और डिस्टिंग्विश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है मीनिंग, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स हु इज गेटिंग द प्रायोरिटी ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। सर इक्विटी से शुरू करना चाहिए था, प्रेफरेंस अगर आपको मीनिंग में समझ में आ गया तो इक्विटी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है प्रायोरिटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी शेयर्स। इफ अ शेयर इज गेटिंग अ प्रायोरिटी ऑन टू थिंग्स, कितने चीजों में? दो चीजों में। पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो दो चीजों में अगर आपको प्रायोरिटी मिल रही है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिपेमेंट, तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। इक्विटी शेयर होल्डर का क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर डज नॉट गेट प्रायोरिटी, उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती। कहां पर? ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। अंडरस्टूड? वहां पर प्रेफरेंस में प्रायोरिटी मिलती है, इक्विटी में प्रायोरिटी नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर डज नॉट गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता।
इक्विटी शोल्डर गेटिंग फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. इफ द कंपनी रेजेस मोर प्रॉफिट कंपनी का डिविडेंड ज्यादा होगा. इफ द कंपनी मेक्स लेस प्रॉफिट डिविडेंड विल बी लो. इफ कंपनी इज नॉट मेकिंग द प्रॉफिट तो उसको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेटिंग द डिविडेंड एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड. नेक्स्ट वोटिंग राइट. इक्विटी शेयरहोल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर डज नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट. वापस बोलो एक सेंटेंस में लिखा तो भी सफिशियंट होगा. इक्विटी शेयरहोल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर डज नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट. रिटर्न ऑन कैपिटल. इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न. कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. कंपनी के लाइफ टाइम में आपको पैसे पर रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा इट डिपेंड्स ऑन कंपनी. अगर आप बायबैक करोगे तो ही इक्विटी शेयर्स का पैसा रिटर्न मिलेगा. बट कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन बी रिपेड आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम. तो रिपेमेंट इज पॉसिबल, रिपेमेंट इज नॉट पॉसिबल. इक्विटी में रिपेमेंट इज नॉट पॉसिबल, प्रेफरेंस में रिपेमेंट इज पॉसिबल. नेचर ऑफ कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ रिस्क कैपिटल. क्योंकि पैसा भी रिटर्न नहीं मिलेगा, डिविडेंड भी टाइम पे मिलने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए उसको रिस्क कैपिटल बोलते हैं. और यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल इज अ शेयर कैपिटल. नेचर ऑफ इन्वेस्टर. जो पैसा मतलब इफ एन इन्वेस्टर रेडी टू टेक द रिस्क. इफ द इन्वेस्टर इज रेडी टू टेक द रिस्क ही कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स. If the investor is not ready to take the risk, he can invest preference shares. मतलब अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो इक्विटी में पैसा लगा. If you are not ready to take the risk, you will going to opt preference shares. Next, face value. Equity share की normally face value एक रुपया या दस रुपया होती है या relatively होती है, एक रुपया या दस रुपया. But preference shares की जो face value वो 100 rupees होती है. कितनी होती है? 100 रुपीज या उससे ज्यादा. राइट्स एंड बोनस इश्यू. इक्विटी शेयरहोल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, सो ही इज गेटिंग द राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स. राइट शेयर्स भी उनको मिलेगा और बोनस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर आर द टेम्पररी ओनर ऑफ द कंपनी, सो उनको प्रेफरेंस किसी भी तरीके का राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स नहीं मिलेगा. ही इज नॉट एलिजिबल फॉर राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स. ठीक है, आई होप आपको इसमें किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी. नाउ मूव टू नेक्स्ट डिस्टिंग्विश ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग इट इज दैट कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर. ओन्ड कैपिटल वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर से आता है. तो सर बोरोड कैपिटल किधर से आता है? तो बोरोड कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज ब्रॉट फ्रॉम डिबेंचर्स या क्रेडिटर या बॉन्ड होल्डर या फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स. यहां से पैसा आता है. क्लियर? तो यहां नहीं, जहां क्रेडिटर से पैसा आया, क्रेडिटर से पैसा आया तो बोरोड कैपिटल, ओनर से पैसा आया, शेयर होल्डर से पैसा आया तो ओन कैपिटल. सोर्सेस. कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इश्यू. कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इज नोन एज ओन कैपिटल. ओन कैपिटल चाहिए आप इक्विटी और प्रेफरेंस से लेकर आओ. बोरोड कैपिटल चाहिए तो आपके पास वेरियस सोर्सेस है, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक. यहां से आप पैसा लेकर आ सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ओन कैपिटल में पैसा लगाने वाले को बदले में डिविडेंड मिलेगा. क्या मिलेगा? डिविडेंड. डिविडेंड शेयर में पैसा लगाने वालों को क्या मिलता है? डिविडेंड इन इन्वेस्टमेंट रिटर्न. बट बोरोड कैपिटल डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स, फिक्स डिपॉजिट होल्डर, लोन बोरोवर्स, ये जितने भी है उनको बदले में इंटरेस्ट मिलता है. क्या मिलता है? इंटरेस्ट. स्टेटस. शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, डेप्ट होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, डेप्ट होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयरहोल्डर हैज नॉर्मल वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयरहोल्डर हैज नॉर्मल वोटिंग राइट. क्रेडिटर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट. भाई जो आपको टाइम पे इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको पेमेंट मिल रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वोटिंग राइट में अधिकार मिलने वाला नहीं है. नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल.
इक्विटी शेयर होल्डर की अगर बात करो तो रिपेमेंट माइट बी पॉसिबल बट एट द एंड ऑफ द होल्डर्स, यानी जब लिक्विडेशन होगा तब आपको मिलेगा। प्रेफरेंस में लिखा आपको रिपेमेंट पॉसिबल है, बट प्रायोरिटी की बात करोगे तो सबसे पहले क्रेडिटर का नंबर आएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी क्रेडिटर, तो द क्रेडिटर गेटिंग द प्रायोरिटी ऑन रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। After creditorship, after creditor debenture, public deposit holder, loan holders को पैसा देने के बाद preference holder getting the priority and afterwards equity holder will be giving, ठीक है? तो ये sequence होता है, repayment के time पर creditor के बाद owner का number आएगा, creditor का priority पहले मिलने वाला है। Next, charges on asset. A shareholder cannot charge on asset, उसको किसी भी तरीके का अधिकार होता नहीं है, but borrowed capital holder has a right to charge on asset. I hope इस distinguish में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। Now move to next distinguish, that is right shares and bonus shares. अभी हमने पढ़ा था right shares और bonus shares किसको मिलता है, equity को, but दोनों में फर्क क्या होता है। सबसे पहला राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, राइट इश्यू आर द शेयर्स विच इज ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दैट इज कंपनी ऑफर्स शेयर होल्डर टू द फर्स्ट ऑप्शन बाय द बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी बोलती है हमें पैसे की जरूरत है, हम नए शेयर होल्डर को पकड़ेंगे तो भी हमको पैसा मिलेगा, लेकिन हमारे पास कुछ पहले से शेयर होल्डर अवेलेबल है उनको हम पूछते हैं, अगर वो हमें पैसा दे देते हैं, अगर वो हमें पैसा दे देते हैं तो हमारा काम तो बन गया, और बदले में वो जो पुराने शेयर होल्डर है उनकी होल्डिंग बढ़ जाएगी। तो व्हेन द कंपनी ऑफर शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज नोन एज राइट शेयर्स, बट वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है। बोनस शेयर होल्डर आर इश्यू टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर भी इक्विटी को ही दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं, इट शुड बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट पेमेंट, सब्सक्राइबर हैज टू पे द पे फॉर द राइट शेयर्स, कंपनी ओनली गिव्स राइट टू बाय दो शेयर्स। अगर आप राइट शेयर्स खरीद रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वेदर यू आर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो सर प्रेफरेंस को राइट शेयर्स नहीं मिलता है, तो वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट राइट शेयर्स इट शुड बी बिलोंग्स टू इक्विटी, तो इक्विटी को राइट शेयर्स दे रहे हैं तो भाई साहब आपको पैसा देना पड़ेगा। बट बोनस शेयर में आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्टली और फुल्ली पेड अप, इफ यू आर वॉन्टिंग राइट शेयर्स तो अ शेयर होल्डर हैव टू पे फॉर दिस शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी एटसेट्रा टिल द फुल मनी ऑन शेयर इज पेड अप। बट मतलब आपको हम लोग आधा पैसा दो, फुली पेड अप दो, एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट दो, अगर पार्टली पेड अप है तो भी हम आपको राइट शेयर्स दे सकते हैं, बट बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी हम आपको जो बोनस शेयर्स देंगे ना वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होगा। So, no money has to be paid by the shareholder to the company. Right shares के लिए आप partly paid up भी कर सकते हो, application दे दो, allotment money या call money तक pay कर दो, जैसे आपकी convenience है खरीदने के नाम पे। Bonus में हम आपसे पैसा ही नहीं मांग रहे, company आपसे पैसा ही नहीं मांग रही, तो यहाँ पर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी share मिलेगा वो free of cost है, वो भी fully paid up पे मिलेगा। Next, minimum subscription. A company has to obtain minimum subscription. If the company fails to receive minimum subscription, it has to refund the entire application money received. Yani, agar company right shares de rahi hai apne existing shareholders ko, aur us existing shareholders ne paisa nahi diya, जो हमें पैसा चाहिए था वो कलेक्ट हम नहीं कर पाए, तो इन दैट केस हमें उन सबका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, ऑल मनी शुड बी रिफंडेड। नेक्स्ट बोनस शेयर में देर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, बोनस शेयर आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री में दे रहे, तो आपसे कलेक्शन ही नहीं है, जब कलेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने, बिकॉज इट इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। नेक्स्ट राइट टू रेनाउंस, द शेयर होल्डर कैन रिनाउंस ही शेयर्स, यानी कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स को रिनाउंस कर सकता है, बट शेयर होल्डर यहाँ पर जो बोनस शेयर होल्डर्स है, बोनस इक्विटी शेयर होल्डर जिनको मिल रहा है वो कैन नॉट बी रिनाउंस द बोनस शेयर्स। नेक्स्ट पर्पस ऑफ इशू, राइट इश्यू इज डन बाय द कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज फंड्स
बट ही वॉन्ट्स टू गिव अ चांस टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स टू इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग. मतलब जब कंपनी के शेयर होल्डर को पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी चाहती है कि हम शेयर इशू करेंगे, पैसा मिलेगा, बट वो एक अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को चांस देखना चाहते हैं कि आप हमें पैसा दे तो बदले में आप अपनी होल्डिंग बढ़ा लो. तो इट्स अ चांस गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू इंक्रीज देयर होल्डिंग्स. Bonus shares, when a company accumulated huge profit or reserve, company wants to reward its existing share company issues bonus shares. मतलब कंपनी के पास पैसा ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, रिजर्व ज्यादा है और वो चाहती है कि अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में कुछ दिया जाए, कुछ उनको एक्यूमुलेट करके दिया जाए, तो उनको बोनस शेयर दिया जाता है. आई होप आपको इस डिस्टिंग, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. इसके सेकंड पार्ट में हम आगे के डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे. अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए. इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए. मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.